दोस्तों, आखिर कैसे आप सभी अग्नि का स्तंभन कर सकते हैं। भगवान शंकर रावण से कहते हैं कि घीकुआर का रस लेपन करने से कोई भी वस्तु आग में नहीं जलती, अर्थात अग्नि का स्तंभन हो जाता है। भगवान शंकर रावण को इस अग्नि स्तंभन का मंत्र बताते हैं तथा सिद्ध कैसे किया जाता है यह सभी बताते हैं। दोस्तों, मैं यह मंत्र बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्तंभन मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते जलम स्तंभ स्तंभ हों फट स्वाहा। दोस्तों, यह मंत्र एक लक्ष्य जप करने पर सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध हो जाए तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा यह क्रिया किसी भी प्रकार का लाभ आपको नहीं देगी।